हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, फ्लावरन का टैंक सेटअप। इस टॉपिक पे मुझे बहुत सारा डीएम, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि भाई मैं मेरे फ्लावरन कॉन्ग को कैसे टाइप का टैंक सेटअप पे रखता हूँ जिसके लिए इतना कलर, इतना अच्छा हेल्थ ग्रोथ सब कुछ होता है। देखो भाई, फूड्स खिलाने से, पानी का मेंटेनेंस करने से ही ओनली फिश का ग्रोथ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टैंक सेटअप भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्लावरन फिश के लिए। तो आज इस वीडियो पे आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा क्या कुछ चीज़ आप लोग को सेटअप करना पड़ता है आप लोग के फ्लावरन फिश के टैंक के सेटअप के लिए, और आप लोग को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो पे बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग यहाँ पर खुद देख पा रहे हो मेरा कॉन्ग, मेरा फ्लावरन कितना ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी है, कितना ज़्यादा हेड ग्रोथ हुआ है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अगर आप लोग को पता नहीं है फ्लावरन का हेड ग्रोथ कैसे इतना ज़्यादा कर सकते हो या फिर इतना डार्क कलर कैसे लेके आ सकते हो, तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ कौन सा फूड खिलाने से इतना ज़्यादा हेड ग्रोथ और इतना ज़्यादा रेड कलर आ सकता है। तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना ये वाला वीडियो देखने के बाद, वो वाला वीडियो भी। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं नया वीडियो डालने के बाद सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा पेट्स रिलेटेड वीडियो, फिश रिलेटेड वीडियो और स्पेसिफिकली फ्लावरन रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज का जो टॉपिक है बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, क्योंकि अगर आप लोग एक फ्लावरन रख रहे हो आप लोग के घर पर, तो आप लोग को स्पेशल केयर लेना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होता है फ्लावरन फिश आप लोग के घर पर अगर नॉर्मल फिश रखते हो उससे बहुत ही अलग होता है। फ्लावरन फिश बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है और ये अकेला टैंक पे रहना पसंद करता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और आप लोग का जो टैंक सेटअप होता है, मैं बहुत सारा वीडियोस देखा हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पर स्टोन्स दे देता है, मतलब नीचे पेबल्स वगैरह, ग्रेवल वगैरह बहुत कुछ दे देता है, बट उससे आप लोग का फ्लावरन फिश बीमार पड़ सकता है, फ्लावरन फिश का हेड डैमेज हो सकता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, टैंक के नीचे कुछ भी स्टोन्स या ग्रेविल नहीं देना है। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो मैं मेरे टैंक को पूरा नीचे से एकदम क्लीन रखा हूँ। आप लोग इस तरीके से एकदम टैंक को क्लीन रखना है। आप लोग का टैंक का साइज़ फ्लावरन के साइज़ के हिसाब से होना चाहिए। मेरे पास अभी जो टैंक है ये मोल्डेड टैंक है, लगभग 5 फीट के अप्रॉक्स इसका साइज़ है। तो आप लोग ग्लास टैंक पर भी अगर रखते हो तो भी आप लोग के टैंक के नीचे कुछ भी मत देना, एक गलती मत करना। मैं बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखा हूँ जहाँ पर स्टोन्स वगैरह दे देता है फ्लावरन के नीचे, बट उससे आप लोग का फिश का हेड डैमेज हो सकता है, क्योंकि फ्लावरन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फिश है। ये फर्स्ट चीज़ आप लोग को टैंक सेटअप पर ध्यान रखना पड़ेगा, टैंक के नीचे कुछ भी नहीं देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे फ्लावरन के साथ प्लिको फिश भी रखा हूँ। एक मिथ है कि भाई फ्लावरन के साथ और कोई फिश नहीं रह सकता है। देखो भाई, यहाँ पर आप लोग को खुद मैं दिखा रहा हूँ टैंक मेट्स के साथ, फ्लावरन के साथ मैं प्लिको रखा हूँ और कुछ भी नहीं करता है प्लिको फिश के साथ। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगा, कैसे आप लोग प्लिको फिश रख सकते हो, क्या कुछ चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, सब कुछ मैं उस वीडियो पर बताया हूँ। बट इस वीडियो पर मैं आप लोग को टैंक सेटअप के बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो चीज़ मैं आप लोग को बताया हूँ, टैंक को एम्प्टी रखना है नीचे से। उसके बाद आप लोग को एक अंदर पे आप लोग सोपीस डाल सकते हो। मैं जैसे यहाँ पर गौतम बुद्ध का एक सोपीस रखा हूँ, आप लोग के हिसाब से आप लोग डेकोरेशन के लिए एक सोपीस रख सकते हो। एक से ज़्यादा सोपीस मत रखना, उससे आप लोग का फ्लावरन फिश डर भी सकता है, स्ट्रेस में भी जा सकता है। और जो भी सोपीस रख रहे हो उसमें कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जिससे आप लोग का फ्लावरन फिश का हेड डैमेज हो सकता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, टैंक के अंदर ऐसा कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट या पॉइंटेड चीज़ मत रखना, जिससे आप लोग का फ्लावरन फिश का हेड डैमेज हो सकता है। ये चीज़ आप लोग को एकदम मैंडेटरीली ध्यान रखना है। मैं टैंक के अंदर दो आर्टिफिशियल फिश रखा हूँ जो मेरे फ्लावरन फिश लेके खेलता है, इसलिए मैं मेरे फ्लावरन फिश के साथ हैंड के लिए यहाँ पर कैसे खेलता हूँ मैं आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और एक सेपरेट वीडियो आएगा जहाँ पर मैं टैंक के अंदर हाथ डाल के मैं कैसे फ्लावरन फिश के साथ खेलता हूँ, वो मैं बाद में आप लोग को सेपरेट वीडियो पर बताऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं एक टॉप फिल्टर सेट किया हूँ, आप लोग यहाँ पर कॉर्नर पर देख पा रहे हो। आप लोग भी अगर आप लोग ग्लास टैंक यूज़ कर रहे हैं तो भी टॉप फिल्टर सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग के पास मोल्डेड टैंक है तो आप लोग इजीली टॉप फिल्टर उसके अंदर आप लोग को ऐसे ही फ्री में मिल जाता है। तो टॉप फिल्टर बेस्ट फिल्ट्रेशन देता है आप लोग के पास अगर फ्लावरन फिश है तो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि जो फ्लावरन होता है बहुत ही ज़्यादा
खिलाने से मतलब फूड्स खाने से पॉटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा करता है, तो इसलिए टॉप फिल्टर मैं ऑलवेज़ मेंटेन करता हूँ। या फिर टॉप फिल्टर अगर आप लोग नहीं यूज़ कर सकते हो तो एक कैनिस्टर फिल्टर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। उससे होता क्या है, आप लोग का जो पानी का फिल्ट्रेशन है वो टॉप नॉच हो सकता है। अगर आप लोग को पता नहीं है कैनिस्टर फिल्टर क्या है, आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा कैनिस्टर फिल्टर होता क्या है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरे टैंक के अंदर और एक प्लिको भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक गोल्डन प्लिको है, दो प्लिको मेरे टैंक के अंदर है। जो भी हो, तो उसके बाद आप लोग दो एयरस्टोन, आप लोग यहाँ पर मैं जैसे एयरस्टोन दिया हूँ, आप लोग दो एयरस्टोन आप लोग के टैंक के अंदर ऐड कर सकते हो। बट आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी मैं मेरे टैंक के अंदर एक स्पॉन्ज फिल्टर भी ऐड करूँगा। स्पॉन्ज फिल्टर ऐड करना ज़रूरी है, किस लिए बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनना, वो आगे चल के आप लोग को डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं दो एयरस्टोन ऐड किया हूँ मेरे टैंक के अंदर, और जो मेरा फ्लावर एंड फिश टैंक का जो बैकग्राउंड है वो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, एक अच्छा खासा बैकग्राउंड आप लोग को डालना पड़ेगा। आप लोग अगर फ्लावर एंड फिश एक्वेरियम के पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं डालते हो तो आप लोग का फ्लावर एंड फिश का कलर इतना ज़्यादा डार्क नहीं आएगा, ये मैं आप लोग को लिख के देता हूँ। तो ऑलवेज अगर आप लोग के पास 2 फीट 4 फीट 5 फीट या लार्ज टैंक हो, आप लोग टैंक के पीछे एक बैकग्राउंड ज़रूर लगाना। मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा ऐसा टाइप का बैकग्राउंड लगाने से ज़्यादा कलर अच्छा आता है। और अगर आप लोग चाहते हो विनाइल बैकग्राउंड बहुत सारा मिलता है वन कलर का, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कलरफुल बैकग्राउंड, क्योंकि मैं आप लोग को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग खुद बैकग्राउंड देख सकते हो कितना कलरफुल है और मेरा फिश कितना हेल्दी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बोल रहा हूँ। मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा ऐसा टाइप का बैकग्राउंड लगाने के लिए, क्योंकि इस टाइप के बैकग्राउंड से आप लोग का फिश ज़्यादा एक्टिव हेल्दी और यहाँ पर कलरफुल रहेगा, आप लोग खुद ही देख सकते हो। बट अगर आप लोग सिंगल कलर का बैकग्राउंड लगाओगे जो ब्लू ब्लैक विनाइल टाइप का बैकग्राउंड आता है, उससे अच्छा खासा रहता है आप लोग का फिश, बट इतना ज़्यादा ब्राइट कलर, इतना ज़्यादा हेल्दी, इतना ज़्यादा हेड ग्रोथ मैं नहीं देखा हूँ मतलब और किसी बैकग्राउंड पे। आप लोग बोलोगे कि भाई फिश का ब्रीड मैटर करता है, हाँ भाई ब्रीड मैटर करता है, बट सेटअप भी मैटर करता है भाई, सेटअप भी ज़रूरत है टैंक का, तभी जाके आप लोग का फिश हेल्दी रहेगा। तो मैं आप लोग को ऐसा टाइप का बैकग्राउंड सेटअप करने के लिए बताऊंगा जो यहाँ पर मैं सेटअप किया हूँ। आप लोग ऐसा टाइप का भी चूज़ कर सकते हो, अमेजन पे भी मिल जाएगा, नॉर्मल दुकान पे भी मिल जाएगा, एक्वेरियम शॉप पे। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं अमेजन का लिंक वगैरह आप लोग को दे दूंगा जहाँ पर से आप लोग सेटअप कर सकते हो। तो जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं टैंक के अंदर एयरस्टोन फिल्टर ऐड किया हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग एयरस्टोन फिल्टर के साथ साथ स्पॉन्ज फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। मैं सेटअप थोड़ा चेंज करूँगा मेरा टैंक का बहुत ही जल्दी, उसमें मैं एक स्पॉन्ज फिल्टर भी मेरे टैंक के अंदर ऐड करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पर दोनों तरफ पे ही मेरा मतलब एयरस्टोन चल रहा है। अभी मैं बंद करके रखा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए मेरा दोनों ही एयरस्टोन यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर अभी जो चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा, एक हीटर आप लोग के टैंक पे ऑलवेज़ होना चाहिए। मेरे टैंक पे भी अभी यहाँ पर हीटर लगा हुआ है, बट अभी समर सीज़न चल रहा है, समर सीज़न पे हीटर का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट अगर आप लोग जिस रूम पे एक्वेरियम को रख रहे हो, अगर उस रूम पे एसी चलता है तो आप लोग को हीटर ऑलवेज ऑन करके रखना है और टेम्परेचर को 28 डिग्री सेल्सियस पे सेट करके रखना है। ये चीज़ आप लोग को तभी करना है अगर आप लोग के रूम पे, जिस रूम पे एक्वेरियम है उस रूम पे अगर एसी चल रहा है तभी, नहीं तो भाई अगर आप लोग का रूम टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री के आसपास है तो आप लोग के टैंक के अंदर कुछ भी हीटर का ज़रूरत नहीं है। बट आप लोग हीटर लगा के रखना, मतलब टैंक के अंदर लगा के रखना, कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो कनेक्शन ऑन कर देना। मैं हीटर को ऑन करके नहीं रखने के लिए बोल रहा हूँ, बट जो टैंक का सेटअप है वो मैं बता रहा हूँ कि एक अंदर पे हीटर ज़रूर रखना। उससे होता क्या है, कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोग को अलग से अटैच नहीं करना पड़ेगा, आप लोग का ज़रूरत है तो आप लोग हीटर को ऑन कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं ओवरऑल जो जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस से, यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हो मेरा फिश कितना ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पर आप लोग को जो चीज़ अभी मैं बताऊँगा, ये चीज़ अगर आप लोग के टैंक के अंदर नहीं होगा तो भाई आप लोग का फिश कलरफुल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही मैटर करता है आप लोग के फिश के कलर के लिए। यहाँ पर आप लोग को जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक्वेरियम के अंदर लाइट सेटअप। अभी मेरा जो टैंक है ये मोल्डेड टैंक है, इसमें जो लाइट सेटअप आता है ये टैंक के अंदर ही आ जाता है। बट अगर आप लोग को ग्लास टैंक यूज़ करते हो तो भाई मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग को पता नहीं है मैं आप लोग को इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं हर एक LED लाइट या फिर
जो एक्वेरियम के अंदर लाइट होता है उसके ऊपर मैं टॉपिक कवर करूंगा। आप लोग अगर चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बट अगर आप लोग टैंक के अंदर अच्छा खासा लाइट सेटअप नहीं करोगे भाई, आप लोग का फिश कलरफुल नहीं दिखेगा। कितना भी फूड खिला दो, कितना भी मेंटेन कर लो, कुछ भी कर लो, बट एक लाइट सेटअप भाई, मैं आप लोग का मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहा हूँ, एक लाइट सेटअप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है एक फिश का कलर को। यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हो मेरे टैंक के अंदर जो लाइट चल रहा है अभी, उसके लिए ही बहुत ही ज़्यादा मेरा फिश कलरफुल लग रहा है। हेल्दी तो है, फूड्स भी मैं खिला रहा हूँ एवर रेड वगैरह, बट उसके साथ साथ कलर मैटर करता है लाइट के हिसाब से। सो जो बहुत ही वाइटल चीज़ आप लोग गलती कर देते हो, टैंक का साइज़। देखो भाई, अगर आप लोग का फ्लावरॉन का साइज़ बड़ा हो चुका है तो भाई आप लोग का टैंक का भी साइज़ बड़ा करना ज़रूरत है, क्योंकि छोटा टैंक पे रखोगे तो फिश बीमार पड़ जाएगा, फिश स्ट्रेस में चला जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भाई मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग का फ्लावरॉन फिश मेरा ज़्यादा मतलब मेरा जितना कॉन्ग का साइज़ है इतना बड़ा हो चुका है, एकदम एडल्ट हो चुका है, तो भाई एटलीस्ट 4 फीट से ज़्यादा टैंक का साइज़ ज़रूर रखना। 3 फीट के नीचे मत करना एटलीस्ट, मैक्सिमम तो 5 फीट 6 फीट आप लोग कर सकते हो, बट मिनिमम मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग को 4 फीट टैंक साइज़ ज़रूर रखना, उससे आप लोग का फिश बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और अभी जो जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ टैंक सेटअप के बारे में, ओवरऑल मैं जो जो पॉइंट्स मैं कवर अप किया हूँ आप लोग आई थिंक शायद ध्यान से सुन लिए हैं, बट अभी जो टिप्स मैं आप लोग को दूंगा ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आप लोग के टैंक के अंदर जब आप लोग फिश रख रहे हो तो टैंक का जो वाटर का फिल्ट्रेशन है वो टॉप नॉच होना चाहिए। मेडिसिन का ध्यान रखना पड़ेगा, सभी मेडिसिन का वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, कौन सा मेडिसिन मैं मेरे फिश को यूज़ करता हूँ इतना हेल्दी रखने के लिए। फूड्स के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग ज़रूर जाके फूड्स का वीडियो देख लेना अगर आप लोग अभी तक फूड्स का वीडियो नहीं देखे हो। गलती से भी कुछ अदाब सदाब फूड्स मत खिलाना, बहुत सारा फूड्स आता है जिसको आप लोग कंपनी रिकमेंड कर देता है, दुकानदार बोल देता है खिला दो आप लोग का फ्लावरॉन फिश का हेड बड़ा हो जाएगा। देखो भाई ऐसा सच कुछ चीज़ नहीं है, मैं बेस्ट फूड आप लोग को बता दिया हूँ, जिस फूड्स को खिलाने से आप लोग का फ्लावरॉन फिश का गारंटीड हेड 1 मंथ में ही आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, ये मैं आप लोग को लिख के देता हूँ। और एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसके ऊपर आप लोग को डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वाटर चेंज कितना वाटर चेंज करना पड़ता है उसके ऊपर डिटेल वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बट टैंक सेटअप पे मैं थोड़ा वाटर चेंज के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। पानी अगर आप लोग साफ रखोगे, फिल्ट्रेशन अच्छा खासा रखोगे, टैंक सेटअप सही से मैं जो जो बताया हूँ इसको अगर फॉलो करोगे तो भाई आप लोग का फ्लावरॉन फिश हेल्दी तो रहेगा ही, उसके साथ साथ कलरफुल, एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा हेड ग्रोथ यहाँ पर मेरा जैसे कॉन्ग का हुआ है आप लोग का भी हो सकता है। ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है, बट आप लोग को केयरिंग भी करना ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप लोग ओवरऑल जो जो चीज़ मैं बताया हूँ, फिल्ट्रेशन और पानी का चेंजेस का वीडियो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना, आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है टैंक सेटअप के अंदर। अगर आप लोग मेरे जैसा टैंक सेटअप कर लिए हो उसके बाद फिल्ट्रेशन और पानी चेंजेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी आप लोग का फ्लावरॉन फिश बीमार पड़ सकता है। तो ओवरऑल आप लोग को यहाँ पर जो मेरा टैंक का सेटअप है आप लोग को फुल सेटअप टूर करवा दिया हूँ। आप लोग मुझे बहुत सारा कमेंट, बहुत सारा डीएम करके बोल रहे थे कि भाई आपका फ्लावरॉन फिश का सेटअप दिखाओ, सेटअप दिखाओ, तो भाई मेरा टैंक का फुल सेटअप आप लोग को अभी मैं दिखा दिया हूँ। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो शायद आएगा उसके ऊपर मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ, मैं अभी यहाँ पर आप लोग टैंक के बाहर हाथ दे के खेल रहा हूँ मेरे फ्लावरॉन फिश के साथ। बहुत जन को डर लगता है कि भाई फ्लावरॉन फिश कट देगा, बाइट कर देगा, बट बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो आएगा जहाँ पर मैं टैंक के अंदर हाथ डाल के कैसे मेरे फ्लावरॉन फिश के साथ खेलता हूँ उसके ऊपर सेपरेट वीडियो पे डिटेल में आप लोग को बताऊँगा। तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना मेरा फ्लावरॉन फिश को आप लोग कैसे लगता है, कितना ज़्यादा हेड ग्रोथ हुआ है। ये मेरा फ्लावरॉन फिश का एज ज़्यादा नहीं है भाई, 5 मंथ्स एज है। अगर आप लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आप लोग को पता ही होगा, बट बहुत सारा नया वीडियो जो देखने आता है बोलता है कि भाई मेरा फ्लावरॉन का एज बहुत ही ज़्यादा है। देखो भाई डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। कमेंट करने से पहले थोड़ा देख लो भाई कितना छोटा लेके आया था और कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है 5 महीने में। तो ये महीना कंप्लीट होने के बाद 6 महीना हो जाएगा मेरा कॉन्ग का एज। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव, कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना और बेल आइकन पे ऑल जरूर क्लिक कर देना, उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, इसके बाद भी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टाटा।